नमस्कार दोस्तों, जो है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50 जो भी हो, सैमसंग का ए सीरीज का काफ़ी एक पॉपुलर फ़ोन रहा है सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो ये अपडेट कई दिन पहले आ चुका है, बट मैंने इसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाई थी, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट है कि इस फ़ोन में दोस्तों जो अपडेट आया है वो अपडेट एंड्रॉयड 12 या फिर वन यू आई 4.0 का है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नया अपडेट है एंड्रॉयड 12 वाला, वो सिर्फ अभी सैमसंग के जो महंगे फ़ोन हैं उनमें अभी दिया गया है, जैसे दोस्तों एस सीरीज होती है उसके अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर जो अपडेट आया हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने अभी इसे अपडेट किया नहीं है, क्योंकि इस अपडेट में ज़्यादा मैं कुछ नया देखने को मिलता नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस अपडेट के साइज़ की। तो इस अपडेट का साइज देख लो, 142 MB का है। तो दोस्तों, अब आपको पता लग चुका होगा कि इस अपडेट में सिर्फ हमें सिक्योरिटी पेच लेवल ही 1 दिसंबर का होकर मिलता है, और इसमें हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। और बाकी दोस्तों, आपको पता है कि जो लास्ट अपडेट से जो थोड़े बहुत बक्स आ जाते हैं हमारे फ़ोन में, वो इससे फिक्स हो चुके हैं। तो वही दोस्तों, ये छोटी मोटी चीज़ें इस अपडेट में हमें देखने को मिल रही हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल रहा है, तो दोस्तों वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हो सकता है कि 2022 के मई या जून तक आपको एंड्रॉयड 12 इस फ़ोन में देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी एंड्रॉयड 12 दोस्तों सैमसंग की जो एस सीरीज है सिर्फ उसी में कुछ कुछ डिवाइस में दिया गया है, सारे फ़ोनों में अभी उनमें भी नहीं दिया गया, तो इसमें कहाँ से आएगा। दोस्तों, इसमें हमें मिलता है 142 MB का ये अपडेट, जिसमें आपको सिक्योरिटी पेच लेवल 1 दिसंबर को होकर मिलता है, और दोस्तों जो छोटे मोटे बक्स होते हैं वो फिक्स होकर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।